नमस्कार मित्रों, आज की कहानी में जानेंगे कि किन दिनों के जन्म में बच्चे भाग्यशाली होता है। आपने लोगों की राशि, कुंडली और जन्म तिथि के हिसाब से लोगों के स्वभाव और व्यक्तित्व के बारे में काफी कुछ सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि हर दिन की भी अपनी अलग एनर्जी होती है, जो उस दिन पैदा होने वाले बच्चे के व्यक्तित्व और गुणों में भी झलकती है। ज्योतिष के अनुसार आप सप्ताह के जिस दिन में पैदा हुए हैं उसके हिसाब से भी अपने बारे में काफी कुछ जान सकते हैं। यहाँ जानिए किस दिन पैदा होने वाले लोगों में क्या खूबियां होती हैं। आइए जानते हैं दिन के अनुसार आपकी जीवन के कुछ रोचक रहस्य। सोमवार, इस दिन जन्मे व्यक्ति हमेशा समाज में चर्चा का विषय बने रहते हैं, लेकिन इनका पारिवारिक जीवन अच्छा नहीं रहता। इन्हें अक्सर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, बावजूद इसके ये लोग हंसमुख होते हैं और काफी मीठा बोलते हैं। चंद्र से संबंध होने के कारण इनका मन चंचल रहता है और निरंतर विचार बदलते रहते हैं। ये लोग बुद्धिमान, कला प्रेमी और बहादुर होते हैं और सुख दुख में एक जैसे रहते हैं। इस दिन जन्मे व्यक्तियों की याददाश्त बहुत तेज होती है, लेकिन इनमें धैर्य की बहुत कमी होती है। मंगलवार, मंगलवार को जन्म लेने वाले व्यक्ति क्रोधी, पराक्रमी, अनुशासन प्रिय, ऊर्जा से परिपूर्ण और नए विचारों का समर्थन करने वाले होते हैं। इस दिन जन्मे व्यक्तियों पर मंगल ग्रह का विशेष प्रभाव रहता है, इसलिए इस दिन जन्मे व्यक्ति सभी बाधाओं को पार कर हमेशा प्रगति के पथ पर अग्रसर होते हैं। ऐसे लोग अपनी प्रशंसा सुनने के बहुत इच्छुक रहते हैं। इनके दाम्पत्य जीवन में समय समय पर विरोधाभास की स्थिति आती रहती है। अधिक क्रोध के कारण आसपास के लोगों से इनकी ज्यादा नहीं बनती। बुधवार, बुधवार का दिन गणेश जी का माना जाता है। इस दिन जन्मे लोग बुद्धिमान होने के साथ बातचीत करने में माहिर होते हैं। ये लोग अपने परिवार के प्रति बहुत समर्पित होते हैं और उनके लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। इन्हें काफी भाग्यशाली माना जाता है, इसलिए ये किसी भी समस्या में फंसकर आसानी से बाहर निकल ही आते हैं। गुरुवार, इस दिन जन्म लेने वाले लोग महत्वाकांक्षी, गंभीर स्वभाव वाले होते हैं और किसी भी मुश्किल समय का सामना बड़ी ही समझदारी और साहस के साथ करते हैं। इनके साहस और तर्क के आगे कोई टिक नहीं पाता। अपने विचारों और भावनाओं को दूसरे के सामने अच्छी तरह से पेश करते हैं। इसी कारण लोग इनसे जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। ये दोस्ती भी अच्छी संगत वालों से करते हैं, इसलिए दोस्तों की तरफ से इन्हें हमेशा खुशी मिलती है। गुरुवार को जन्मे जातक लंबे, साफ रंग वाले और दिखने में आकर्षक होते हैं। गुरुवार को जन्म लेने वाले लोग बहुत ही बुद्धिमान और साहसी होते हैं। किसी भी मुश्किल का सामना करना इन्हें बखूबी आता है। इनसे कोई भी व्यक्ति बहुत ही जल्दी प्रभावित हो जाता है। इनके दोस्त बहुत ही अच्छे और इनके प्रति समर्पित होते हैं। इन्हें अपनी उम्र के साथ 12, 13, 16 और 30वें साल में समस्या का सामना करना पड़ सकता है। शुक्रवार, इस दिन जन्मे व्यक्ति की वाणी में मधुरता और सरलता होती है और वाद विवाद करने वाले से ये नफरत करते हैं। ऐसे लोग मनोरंजन के साधनों पर अधिक खर्च करते हैं, जिससे इनका आर्थिक संतुलन बिगड़ जाता है। ऐश्वर्य से भरा जीवन इन लोगों को काफी अच्छा लगता है। कला के क्षेत्र में ये लोग अपनी अलग जगह बना सकते हैं। प्रेम के मामले में ऐसे लोग एक जगह नहीं टिक पाते। इनके स्वभाव में ईर्ष्या अधिक होती है। इनका वैवाहिक जीवन सफल कहा जा सकता है। शुक्रवार माता लक्ष्मी का दिन है।
इस दिन जन्मे इंसान बहुत जिंदा दिल, बुद्धिमान, मृदुल स्वभाव वाले, सहनशील और भावुक होते हैं। इनमें हर स्थिति को अपने अनुकूल बनाने की अद्भुत क्षमता होती है। मां लक्ष्मी की कृपा के कारण सामान्यतः इन्हें जीवन का हर भौतिक सुख प्राप्त होता है। यह दानी प्रवृत्ति के होते हैं और दूसरों की मदद के लिए सदैव तैयार रहते हैं। ये लोग साहित्य, कला और संगीत के प्रेमी होते हैं। इन्हें 20 और 24 वर्ष की आयु में कुछ दिक्कतें उठानी पड़ सकती है। शनिवार, जो लोग शनिवार को पैदा होते हैं, वे आलसी और संकोची होते हैं। ऐसे लोग किसी भी कार्य को करने के लिए योजना तो बनाते हैं, लेकिन उन योजनाओं के अनुरूप कार्य नहीं कर पाते। इन लोगों को दोस्ती करते वक्त सावधानी बरतने की जरूरत होती है। परिवार वालों और रिश्तेदारों से भी इन्हें बहुत सुख नहीं मिलता। इनके जीवन में कितने ही कष्ट क्यों न आए, अपने हंसमुख स्वभाव के कारण ये लोग विचलित नहीं होते। शनिवार को जन्मे जातक हल्के गेहूं हुए, साफ रंग के, अपने फन में माहिर, लेकिन क्रोधी स्वभाव के होते हैं। इनकी बहुत जल्दी ही लोगों से अनबन हो जाती है। ये अपने धुन के पक्के होते हैं। इन्हें जीवन में बहुत उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है, लेकिन अंत में विजय इन्हीं की होती है। इन्हें जीवन में बहुत संभल संभल कर चलने की आदत होती है, जिससे कभी कभी ये आलसी भी हो जाते हैं। इनके दोस्त बहुत कम होते हैं और यह अपने दोस्तों के प्रति ईमानदार होते हैं। परिवार वालों, रिश्तेदारों और दोस्तों से इन्हें बहुत सुख प्राप्त नहीं होता है। इनको जीवन के 20, 25 और 45 साल की आयु में कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। रविवार, रविवार का संबंध सूर्य देव से है। सूर्य सिंह राशि का स्वामी है। सिंह का अर्थ है शेर और शेर को स्वतंत्रता पसंद होती है। इसलिए रविवार को जन्मे व्यक्ति किसी की अधीनता में कार्य करना पसंद नहीं करते। सामान्य तौर पर भाग्यशाली होते हैं। कम बोलते हैं और कला एवं शिक्षा के क्षेत्र में मान सम्मान प्राप्त करते हैं। धर्म में भी रुचि रखते हैं और फैमिली मेंबर्स के साथ ही दोस्तों और रिश्तेदारों को भी खुश रखने की कोशिश करते हैं। यदि इन लोगों को नेतृत्व का कार्य सौंप दिया जाए तो किसी भी क्षेत्र में बेहतर परिणाम देते हैं। रविवार भगवान सूर्य का दिन है। इस दिन पैदा हुए लोग सामान्यतः तेजस्वी, भाग्यशाली और दीर्घ आयु वाले होते हैं। कम बोलते हैं लेकिन सोच समझकर बोलते हैं और उनकी बातों का अपना प्रभाव होता है। इन्हें कला, साहित्य, शिक्षा और परामर्श के क्षेत्र में सफलता आसानी से प्राप्त होती है। यह आस्थावान होते हैं और परिवार, रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ हमेशा अपना संबंध बनाए रखते हैं। 20 से 22 साल की उम्र में इन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना